एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा मास्क शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है। एक्चुअली बेसिकली ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो इसके रिज़ल्ट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि बहुत ही अच्छा है एंड आई मस्ट ट्राई दिस वन। सो अगर आप भी एक बहुत अच्छे मास्क ढूंढ रहे हो और आपको पता नहीं है कि मुझे कौन से मास्क यूज़ करने चाहिए या फिर आपके स्किन के लिए वो सूटेबल है या नहीं है, और लाइक बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये मास्क यूज़ करूँ या नहीं करूँ या फिर ये मेरे स्किन के लिए अच्छे होंगे या नहीं होंगे। सो ये मास्क आपके लिए आई थिंक परफेक्ट होगा, बिकॉज़ अगर आपके स्किन पे ड्राइनेस है और थोड़ा ऑयली है तो आप बहुत ही अच्छे से मतलब अपना माइंड सेट कर सकते हो कि आप ये मास्क के साथ जाओ और आप इसे यूज़ कर सकते हो। नो डाउट कि ये कितना अच्छा है एक्चुअली, एंड इवन इसका जो स्क्रब है इट्स लाइक अमेजिंग स्क्रब एंड आई बॉट फ्रॉम इंडिया। ये मैंने इंडिया से मंगाया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो मेरा नॉर्मल स्किन है, ऑयली बहुत कम होते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली ये कैफीन मास्क है, जैसा कॉफ़ी का बना हुआ मास्क है ये। सो बेसिकली इस पर होता क्या है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है किसी का कि मैं ये मास्क क्यों यूज़ करूँ। सो बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि आपकी स्किन थोड़ा फुले टाइप की दिखती है, पंपिंग जिसको बोलते हैं, पफिनेस बंपिंग होते हैं, तो उसके लिए भी ये मास्क बहुत अच्छा। पफिनेस जो जिसके स्किन थोड़ा सा ड्राई होते हैं, यू नो लाइक ड्राइनेस स्किन पील होते हैं, सो उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा ये मास्क। और एक्चुअली ये ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करते हैं कोलेजन के लिए, सो कोलेजन प्रमोट करते हैं ये। एंड दिस इज़ द वेरी गुड मास्क, ट्रस्ट मी, यू शुड ट्राई वन टाइम। इस आप एक बार लगाओगे इसका ग्लो इतना अच्छे आते हैं जैसा आपने फेशियल किया उस टाइप का आपको ग्लो मिलेगा। सो यू मस्ट ट्राई दिस मास्क। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप भी अच्छे मास्क ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ ये मास्क आप ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगा। सो अभी ये मास्क मैं अप्लाई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा रिजल्ट है इसका। एंड ये बिल्कुल भी मैं फिल्टर यूज़ करके आपको ये मास्क नहीं दिखाऊँगी। अभी जो मेरा स्किन लाइक कलर है ये आपको आफ्टर मास्क भी ऐसे ही दिखेंगे, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई फिल्टर वगैरह नहीं है, ताकि आपको समझ में आए कि आप अगर किसी का यू नो लाइक वीडियोज़ वगैरह देख के कोई चीज़ लेते हो तो एक्चुअली वो सही होना चाहिए और वो सही तरीके से समझ में आना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अभी जैसे आपको ओरिजिनल मेरा स्किन दिख रही होंगी, कुछ कुछ दाग है यहाँ पे लाइक स्किन के ऐसा, तो ये ओरिजिनल है। इसके बाद में मैं अगर आपको फिल्टर लगा के दिखाऊँ कि हाँ मुझे इतना ग्लो आ गया तो वैसा नहीं है। तो इसके लिए मैं बस ऐसे नेचुरली दिखाना चाहती हूँ। मैं इसको अप्लाई करके फिर आपको बताऊँगी, बट मास्क ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना फेस पे। इसके पीछे सब कुछ लिखे हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। यूज़ करने से पहले क्लीन योर फेस विद अ माइल्ड फेस वॉश, अप्लाई अ जेनरस अमाउंट ऑफ द मास्क विद द स्पैचुला। सो आपको बेसिकली इससे इसको लगाने से पहले आपको फेस वॉश करने हैं, पहले माइल्ड फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, जो आपको पसंद है आप वो यूज़ करो। उसके बाद इसे इसके अंदर एक स्पैचुला है, उससे आपको मास्क पर ज़्यादा मास्क नहीं लगाना है, एकदम हल्के लेयर पे, थिक लेयर पे नहीं लगा, थिक लेयर लगाओगे तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। सो मैं पहले फेस को वॉश कर लेती हूँ, और अच्छा होगा अगर आप साथ में थोड़ा स्क्रब भी कर लो। तो मैंने आज सुबह ही स्क्रब किया है, तो मैं अभी स्क्रब नहीं करूँगी, मैं सिर्फ फेस वॉश करूँगी एंड देन आई विल अप्लाई द मास्क। तो मैंने यहाँ पे अपना फेस को वॉश कर लिया है और मैं इसे एक टॉवल से क्लीन करूँगी। सो मैं इस तरह से ड्राई करना है फेस को। इसके बाद अभी मैं मास्क अप्लाई करूँगी। आई एम श्योर कि ये बहुत ही अच्छा होगा, आई नो, क्योंकि मैं इसका स्क्रब यूज़ करती हूँ सेम, और वो स्क्रब अमेजिंग, लाइक इट्स वेरी नाइस, इतने स्मूथ है, फेस इंस्टेंट क्लीन हो जाते हैं। मैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपको पता नहीं है इस बारे में तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो। अगर आप अच्छे कुछ प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो या फिर आपको पता नहीं है मैं क्या लूँ, तो आप बस कैफीन का मास्क ले लो, स्क्रब ले लो, फेस वॉश, और आप आराम से यूज़ करो। एक्चुअली मुझे स्पैचुला मिल नहीं रहे तो मैं कुछ और यूज़ करती हूँ, कुछ इस टाइप के हैं, ये 100 ग्राम के हैं और इसका प्राइस इंडियन रुपीस है 575। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया इंडिया से। ये मैं काफ़ी दिन तक यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ज़्यादा यूज़ करके फ़ायदे नहीं है, थोड़े थोड़े यूज़ करें, तो मैंने इतना लिया, इतना कोई मेरे फेस पे मैं पूरा लगाऊंगी। इसके स्मेल भी बहुत अच्छे हैं, कॉफी जैसा स्मेल आ रहा है पूरा, इट्स लाइक फ्रेश कॉफी, अभी बस आप इसको पी लो। ये जगह पे आपको अच्छे से लगानी और इसको 15 से 20 मिनट तो रखना ही है, क्योंकि अगर आप रखोगे ना इसको 15 से 20 मिनट
तो फिर आपको इसके रिजल्ट कैसे पता चलेंगे, ये स्किन तक कैसे पहुँचेंगे, ये अपना काम कैसे करेंगे, ये ग्लो कैसे आएगा। मैं इसको थोड़ा आइस के नीचे भी लगा लूँगी, आइस के ऊपर सॉरी, और आइस के नीचे भी। आप इसको लिप्स पे भी लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो मैंने पूरा लगा लिया है मास्क को, बहुत अजीब दिख रहा है मेरा फेस। अब मैं इसे 15 to 20 मिनट्स बाद रिंस करके आपको दिखाती हूँ।